थे, तो इस बात को कहीं ना कहीं मेरे दिल को इस बात को मतलब बुरा लगा। और बेबो भी जब इस चीज़ को देखी, मेरी बेटी, तो उसे भी लगा कि डैडी को चोट लग गया, मैं डैडी के पास जाऊंगी। तो इसी वजह से जब उसने ये बातें कही और मेरे भी दिल में थोड़ा सा मतलब मेरे दिल में भी दुख हुआ, तो मैं कल से ही आने के लिए ये सोच रही थी कि मैं आऊँगी, कैसे आऊँ। मैं समी को मैसेज कॉल करती गई कल से कि कहाँ है, हमें मिलना है, ये वो बहुत सारी बातें। तो समी ने उस तरह का रिस्पांस नहीं दिया, तो फिर मैं आज सुबह उठ के दिल्ली कोलकाता एयरपोर्ट में ही आ गई कि मतलब मैं दिल्ली तक तो जाऊं, फिर जब पता चलेगा कि कहाँ है तो उसी हिसाब से मैं जहाँ जाना होगा जाऊंगी। तो कोलकाता एयरपोर्ट में जब पूरा मीडिया वालों को पता चला कि मैं आई हूँ, तो उसी हिसाब से उसे बाय मीडिया पता चला होगा, तो उसने मुझे मैसेज करा कि तुम कहाँ हो। तो मैंने कहा एयरपोर्ट में हूँ, तो उसने कहा कि ठीक है, तो फिर दिल्ली लैंडिंग करने के बाद तुम मुझे बताना, मैं हॉस्पिटल में हूँ, ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। जब लैंडिंग मैंने करा तो उसे मैंने मैसेज करा, तो उसने मुझे जवाब दिया कि होटल रेट क्या नाम है उस होटल का, भूल जाती हूँ, ट्रेडिशन रेट, हाँ जो भी है होटल का नाम, एयरपोर्ट के पास था। नहीं नहीं वो एयरपोर्ट के पास नहीं, होटल नाम भूल गई मैं, तो जो भी है उस होटल का नाम बोला। तो फिर मैं वहाँ पे आई बेबो को लेकर, तो मैंने देखा कि उसकी माँ के साथ वो है। उसने मुझसे हाय हेलो करना तो बहुत दूर की बात है, उसने मुझे देखा तक नहीं। खैर मैं 1 घंटा तक बैठी रही, इंतज़ार करती रही। फिर बेबो को लेकर जब मैं आने लगी तो वो भी बेबो को बाय बोल दिया। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं थोड़ा सा उससे बात करूं, तो मैंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। तो उसने झटक दिया कि मुझे बात बात नहीं करनी, क्या बात करनी है, तुमने ये गंदगी करा है तो फिर मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। इसे एटीट्यूड के साथ उसने बात करी कि वो कोर्ट को भी ख़रीद लेगा, पुलिस भी ख़रीद लेगा, सब कुछ वो ख़रीद लेगा। और अभी बीसीसीआई ने उसे क्लीन चिट दे दिया, तो वो सोच रहा है कि बीसीसीआई के सपोर्ट में वो मुझे दबा देगा। फिर ऐसे बहुत उल्टे पुल्टे गंदे लोगों के साथ वो मिल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सब चोर चोर मौसरे भाई मिल के सोच रहे हैं कि मुझे दबा देंगे। तो देखती हूँ क्या होता है, सच्चाई की जीत होती है या फिर इन लोगों की दौलत की जीत होती है, फेम की जीत होती है, यही देखना है मुझे। सबसे पहली बात है कि मैंने उसके कैरियर पे कोई सवाल नहीं उठाया था। जो रिकॉर्डिंग में समी ने खुद क्रिएट करी बातें, उसको मीडिया ने सुनी, उसी बात को मैंने कहा, उसी बात पे सारी बातें निकली। और जब मैंने 6 तारीख को ये फेसबुक में पोस्ट करा था, 7 तारीख को बीसीसीआई ने इमेज के बेस पे, जो मुझे न्यूज से पता चला, मीडिया से पता चली, कि इमेज के बेस पे समी का कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से नाम को होल्ड में डाल दिया गया। तो फिर उसके बाद तो मैंने 7 तारीख को बीसीसीआई ने करा, 8 तारीख को मैंने इन लोगों से बताया कि समी पैसा दुबई अलिजबा मोहम्मद की बातें कर रहा है। तो फिर जब बीसीसीआई ने स्टेप इमेज के लिए उठाया था, तो फिर उसे क्लीन चीट देकर उसे छोड़ दिया क्यों? तो इमेज नाम का कोई चीज नहीं है क्या? जब इंग्लैंड स्टेप उठा सकती है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जब स्टेप उठा सकती है, जब टेबल टेनिस का फेडरेशन जब स्टेप उठा सकती है, जब अमेरिका का वो जो बिल क्लिंटन के ऊपर भी ऐसे लड़की के लिए ही कुछ वो बात बनी थी, तो वो लोग जब स्टेप उठा सकते हैं, तो फिर बीसीसीआई क्यों नहीं स्टेप उठाया इमेज के लिए? जब एक क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर, जब एक आइकन है न्यू जनरेशन के लिए, जब ये इतना बड़ा एक हाई प्रोफाइल फिगर है, तो उसका इमेज बहुत मायने रखता है, वो भी हमारा भारतीय सभ्यता के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो बीसीसीआई का सोच क्या, हमारे इंग्लैंड से आगे चला गया, अमेरिका से आगे चला गया, हमारा भारत सभ्यता को ये भूल गया, ऐसा क्यों किया? तब तो मैं टीटीएफ को, मतलब टेबल टेनिस फेडरेशन को, मैं सल्यूट करना चाहूंगी कि इतना बड़ा स्टेप लिया। और बीसीसीआई ने तो खुला लाइसेंस दे दिया कि भैया तुम तो सांड बन के घूमो फिरो, जो छुप छुप के गंदगी कर रहे थे वो खुला गंदगी करो। तो ये इमेज होना चाहिए हमारा बीसीसीआई का। नहीं किया था पिक्चर फेसबुक में समी की ये चैटिंग वैटिंग, तब मेरे दिल में बहुत डर था। मैं किसी हाल में मेरी ये दूसरी शादी नहीं तोड़ना चाहती थी, मैं हर हाल में अपना घर संसार बचाना चाहती थी। और घर संसार बचाने के चक्कर में मैंने अपने कैरियर, अपने नौकरी, सब कुछ मैंने छोड़ के टिपिकल हाउसवाइफ बन के मैंने ज़िंदगी गुजारी। जो जो इन लोगों ने मेरे साथ टॉर्चर करा, गंदगी करा, सब मैंने बर्दाश्त करी। फिर अब ये लड़कियों का चक्कर, ये गंदगी, ये दुबई में अलिशबा के साथ रहना, ये गंदगी,
जिंदगी करना, ये करना, एक वाइफ कितना बर्दाश्त करेगी? वो भी शायद मैं कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन ये तो 2 साल से मुझे खुला डिवोर्स मांग रहा है, ये मुझे जान से भी मारने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ये तो मुझे मतलब कुछ मुझे, मेरे सामने एक भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा कि मैं लड़ाई ना लड़ूं। अगर मैं लड़ाई नहीं लड़ती तो मैं कहाँ जाती, मैं क्या करती, कैसे मेरी जिंदगी चलती? सब तरफ तो इसने मेरा रास्ता काट के रखा था, तो मुझे हर हाल में तो लड़ाई लड़ना था। तो मैं जहाँ तक डरती थी, बहुत घबराती थी, सारा सारा रात मैं रोती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, कभी मैं नमाज पढ़ती थी रोती थी, कभी मैं कुरान तिलावत करती थी रोती थी, उसी रूम में उसी बेड में समी सोया हुआ रहता था, लेकिन उसे इतना तक तमीज़ नहीं था इंसानियत के नाते कि वो मुझे ये तक कह दे कि रो क्यों रही हो। इतना ये कठोर इंसान है और इतना कठोर फैमिली है ये। तो जो भी है, जब मैंने सब कुछ देख लिया, अब भी अगर ये सब के बाद भी अगर मैं खामोश रहती तो मेरे सामने वो प्रोस्टिट्यूट ला के घर के अंदर गंदगी करता, मेरे सामने वो दूसरी शादी करके लेके आता, तो अब ये सब भी मुझे झेलना पड़ता, तो मेरी ज़िंदगी तो जहन्नुम बन चुकी थी और भी जहन्नुम बन जाती। तो मुझे हर हाल में ये स्टेप लेना ही था। बहुत बहुत कोशिश करी, मुझे पता नहीं कि मैं कैसे यकीन दिलाऊँ। मैंने इतने सारे एविडेंस दे दी, समी ने खुद अलिशबा को सामने लेके आ गया, फिर भी आप लोगों को मतलब मुझ पर यकीन नहीं हुआ। तो अब इस बात पर मैं कैसे कहूँगी, मैंने बहुत कोशिश करी, यहाँ तक कि ये लड़ाई लड़ने से पहले मैं चैनल में भी गई कि देखो इसकी गंदगी मेरे हाथ में आया है, ये मेरे साथ ऐसा ऐसा करा है, तुम ऐसे करो। तो चैनल ने कहा कि नहीं, ये कोर्ट में मामला जाएगा, बात हाईलाइट होगी, तो भी मैं कुछ कर सकता हूँ। जस्ट मैं बात करने के लिए गई थी, जब मैं पर्सनली भी ऐसे वैसे जगह पे कुछ कुछ जगह पे गई तो सबने मुझे यही कहा कि इतना बड़ा क्रिकेटर है, पैसे देकर तो केस को दबा देगा, ये करेगा वो करेगा, देखो इतने बड़े एक्ट्रेस को मार दिया, कुछ नहीं हुआ, देखो ऐसे हुआ वैसे हुआ। बहुत सारी बातें जब मुझे पता चली तो मैंने देखा कि ऐसे ऐसे अगर मैं कोई काम करूंगी तो इसे सच में दबा दिया जाएगा। तब मैंने मजबूर होकर सोशल मीडिया का सहारा लिया।